तो हेलो दोस्तों, आज बात कर रहे हैं अवतार द वॉय ऑफ वाटर का। इस मूवी, ये अमेरिकन साइंस फिक्शन मूवी है जो इसके कर्ता था जेम्स कैमरॉन है। जो इनका जो फर्स्ट पार्ट आया था 2009 में आया था, 13 साल बाद इसका सेकंड पार्ट आया है, आने वाला है 2022 में, 25 दिसंबर 2022 में। आप जाके एक बार ज़रूर देख लेना। और इसका जो बजट है, इसका बजट है 250 मिलियन USD है, जो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो 20 अरब 12 करोड़ 50 लाख रुपए है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। इतना बड़ा अमाउंट इसलिए है क्योंकि इसमें VFX का बहुत तगड़ा काफ़ी इस्तेमाल किया गया है। फर्स्ट पार्ट में भी इतना ही बजट आया था, जो सेकेंड पार्ट में आया है, क्योंकि इनका बजट इतना इसलिए ज़्यादा रहता है क्योंकि इनका VFX ज़्यादा रहता है। VFX हर जगह ही VFX यूज़ किए हैं, जो ऐसा लगता है कि आप अलग दुनिया में हो, अलग ग्रह में हो। थोड़ा वहाँ का जितना भी कॉन्सेप्ट है, जितना भी जो भी है, वो एलियन के थ्रू डायरेक्ट किए हैं, उसी के थ्रू डायरेक्ट किए हैं। जो लीड रोल है, जो सैम वॉर्थिंगटन ने, जो जैक सुली का रोल प्ले कर रहे हैं, इन्होंने इनके चार्ज करने की तो बात करें तो ये 10 मिलियन USD चार्ज किए हैं, जो कि 80-85 करोड़ हो जाता है इंडियन करेंसी जोया में। सल्डाना नेत्री का रोल प्ले कर रहे हैं, जो इन्होंने चार्ज लिया है 8 मिलियन USD का। ये तीसरा जो है सिगोनी वीवर, जो 3.5 मिलियन USD चार्ज किए हैं। स्टीफन लॉन्ग जो कि कॉलन कॉलन का रोल प्ले करें, जो 2 मिलियन डॉलर यूसी चार्ज किए हैं। कैट विंसेट जो रोनाल्ड का रोल किए हैं, वो 6 मिलियन डॉलर का किए हैं।